विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज का यानी एस टी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइम्स का कलेक्शन था और सेवनटीन नाइन्टी एट में इसको पब्लिश किया गया और इसको मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड यानी इस वर्क के बाद इस पीरियड की शुरुआत मानी जाती है सो so, अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस क्यों लिखा उसका क्या पर्पज़ था विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस इसलिए लिखा कि वो टेस्ट करना चाहते थे पब्लिक के रिएक्शन को यानी उन्होंने रियल लैंग्वेज को यूज़ किया था सो वो चेक करना चाहते थे कि आए लोगों ने पब्लिक ने रीडर ने रीडर को ये लैंग्वेज अच्छी लगी या नहीं तो वो ये टेस्ट करना चाहते थे कौन करना चाहते थे विलियम वर्ड्सवर्थ सो so, जैसे कि लेट न्यू क्लासिकल एज में जो पोइट होते थे उन्हें जो फाइव सेंसेस से वो जो फील करते थे उसको वो लिख देते थे लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे नहीं किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने रियल लैंग्वेज को यूज़ किया है फिर उसका टेस्ट किया यानी उसको चेक किया उस पर एक्सपेरिमेंट किए सो so, उनके एक्सपेरिमेंट्स उनके एक्सपेक्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल रहे यानी लोगों ने उनके पोयम्स को बहुत ज़्यादा वेलकम किया उनके बहुत ज़्यादा पोइम्स जो हैं वो पढ़ी ही गई सो विलियम वर्सबर्थ कहते हैं कि उनके फ्रेंड एस टी कॉलरेज ने कुछ पोएम्स का कलेक्शन जो है वो सप्लाई किया जैसे कि राइम ऑफ द एनशेंट मैरिनर इस तरीके से वो और उनके फ्रेंड यानी विलियम वर्ड्सबर्थ और एस टी कॉलरिज एक न्यू टाइप की पोइट्री जो है वो स्टार्ट करना चाहते थे उनकी विश थी कि वो न्यू टाइप की पोइट्री स्टार्ट करें जैसे कि लैरिकल बैलम उन्होंने स्टार्ट की विलियम वर्ड्सबर्थ पहले तो ये प्रीफेस नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि वो किसी रीडर को रीज़न नहीं देना चाहते थे कि उनके वर्क को लाइक like किया जाए बट वो कहते हैं कि प्रीफेस मैंने इसलिए लिखा कि ये बहुत ज़्यादा न्यू जेंरा ऑफ पोइट्री को फ्यू वर्ड्स में आर्टिकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सो so उसने फर्निश की एक प्रीफेस विलियम वर्सवर्थ कहते हैं उनके एज के जितने भी पॉइंस हैं जितने भी दूसरे जो पॉइट्स हैं उनके जितने भी वर्क्स हैं वो उनके वर्क से डिफरेंट हैं किनके वर्क है? से विलियम वर्सवर्थ के वर्क से अब विलियम वर्जवर्थ के कंटम्प्रोरी में जितने भी पॉइट्स थे उनके वर्क वो अपने वर्क्स में ब्रीफ एक्सप्लेन करते थे अपने कंसेप्ट को लेकिन विलियम वर्जवर्थ ने अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यानी फुली एक्सप्लेन किया है ये विलियम वर्जवर्थ के व्यूज़ हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं एक आथर को राइट है कि वो कुछ आइडियाज़ और टेक्निक यूज़ करें अपने वर्क में ठीक है यानी एक राइट आथर को ये जो है राइट हासिल होता है तो कहते हैं हर एज में जैसे कि न्यू न्यू पोइट्री आती है तो लोग अपने टाइम के पॉइट से अपने टाइम के आथर से इसी तरीके से न्यू स्टाइल को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे आथर्स और राइटर्स भी पोइट्स भी इस तरीके के न्यू स्टाइल के जो है वो पोइट्री लिखें न्यू स्टाइल की जो है वो बुक्स लिखें सो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं जैसे कि आ, ये ओल्ड से कैटेल टेनस से अलेक्जेंडर पॉप तक हम देख सकते हैं वर्क्स में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि लोग ये ना समझें यानी मेरे प्रीफेस को ये ना समझें कि मैं एक लेज़ी हूँ मैं लेजी नहीं हूँ देन वो बताते हैं कि उन्होंने ये यूज़ कॉमन लैंग्वेज क्यों यूज़ किया यानी पहले उन्होंने राइटिंग प्रीफेस का पर्पस बताया कि उन्होंने क्यों लिखा प्रीफेस देन वो बताते हैं कि उन्होंने कॉमन लैंग्वेज क्यों यूज़ की वो कहते हैं कॉमन लैंग्वेज मैंने इसलिए यूज़ की इन एक इंटरेस्टिंग वे में और विद ओनेस्टी मैंने जो है वो यूज़ की रीडर को अपील करने के लिए यानी रीडर्स के इमोशन को अपील करने के लिए मैंने कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया और कॉमन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि नेचर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है सो so, उससे पहले जितने भी राइटर्स लैंग्वेज यूज़ करते रहे हैं वो लॉफी लैंग्वेज यूज़ करते हैं टफ लैंग्वेज यूज़ करते रहे हैं जिसका नेचर से कोई कनेक्शन नहीं था और एक इंसान को जो है वो ख़ुद को कनेक्ट करना चाहिए नेचर के साथ नेचर को जो है वो ऑब्ज़र्व करना चाहिए सो so, इसलिए मैंने कॉमन लैंग्वेज यूज़ की ताकि हर कॉमन पीपल को ये लैंग्वेज जो है या पॉइंट्स की आ, समझ आ सके सो so, इसलिए वो कहते हैं कॉमन लैंग्वेज जो है ये सिंपल होती है मोर अंडरस्टैंडेबल होती है मोर ड्यूरेबल होती है और एक पीजेंट भी है वो भी इस लैंग्वेज को अच्छे से आ, पढ़ सकता है अच्छे से समझ सकता है ये सोशल वैनिटी से बहुत ज़्यादा अवे है यानी इसमें कोई सोशल वैनिटी नहीं है इस तरह की लैंग्वेज को वो कहते हैं कि मैंने कॉमन लैंग्वेज इसलिए यूज़ की क्योंकि ये रियलिस्टिक है और रियलेबल है और रीडर जो है अपने सेंस uh, और रीडर को मैं अपने uh, जो है वो सेंस दे सकूँ ठीक है यानी मैं रीडर को सेंस दे सकूँ कि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में वो अप्लाई करें यानी मैं इसलिए रियल लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ ताकि मैं अपने रीडर को ये सेंस दे सकूँ कि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं यानी जो चीज़ रीडर पढ़ रहे हैं वो उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी तो कर सकें यानी कितनी ज़रूरत है उसको अप्लाई करने की क्योंकि इससे पहले यानी विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले जो आ था टाइम पीरियड था वो लेट न्यू क्लासिकल का था यानी न्यू क्लासिकल का पीरियड था उस टाइम पर रीज़न पर बेस्ड चीज़ें लिखी जाती थी रीज़न को देखा जाता था यानी वहाँ पर राइटर्स ने जितने वर्क लिखे वो रीज़न बेस्ड दें वो नेचर से बहुत दूर थे सो विलियम वर्ड्सवर्थ लोगों को नेचर के करीब लाना चाहते थे इसलिए उन्होंने कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया वो कहते हैं ओवर यूज़ ऑफ फ्रेज़ यानी जो ओवर यूज है फ्रेज फ्रेजिज़ का उसने जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वर्ड का वो भी ख़त्म कर दिया है अभी ये किस पर टोन किया उन्होंने लेट न्यू क्लासिकल के राइटर पर टोन किया यानी लेट न्यू क्लासिकल के राइटर के वर्क को वो क्या कहते हैं वो कहते हैं जैसे कि ये समझते हैं ना कि लेट न्यू क्लासिकल वे ये समझते हैं पॉइट्स के हमारी जो पॉइट्री है हमने लिखी वो हमें ऑनर देगी तो ऐसा नहीं है उन्होंने ऐसी पॉइट्री लिखी है जो कि रीडर को डल बनाती है यानी उनकी पोइट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनकी पॉइट्री रीडर को डल बनाती है वो अपने आप को अलग करते हैं लोगों से यानी रीडर से अपने वर्क को अलग कर रहे हैं वो रीडर से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे रीडर उनके वर्क वो समझ ही नहीं पा रहे उनके वर्क में कोई क्लियरेंस नहीं है किन के वर्क में लेट न्यू क्लासिकल के वर्क में वो कहते हैं इनकी लॉफी लैंग्वेज जो है वो किसी को अंडरस्टैंड नहीं होती कोई उसको समझ नहीं सकता यानी इन्होंने न्यू क्लासिकल राइटर्स के वर्क को क्रिटिसाइज किया किसने विलियम वर्ड्सबर्थ ने अपने इस प्रीफेस में वो कहते हैं कि कि लैक ऑफ प्रोफाउंड जो है न्यूट्रिवैलिटी और लैक ऑफ प्रोफाउंड थाट ये लार्जर प्रॉब्लम है लॉफी लैंग्वेज की यानी उनके कंटेप्रोरीज में जो लॉफी लैंग्वेज यूज़ करते थे ना राइटर्स वो कहते हैं उससे ज़्यादा बिग प्रॉब्लम क्या है ट्रिवेलिटी एंड लैक ऑफ प्रोफाउंड थाट्स सो विलियम वर्ड्सवर्थ प्राइड करते हैं अपने आप पर वो कहते हैं उनके पोएम्स जो हैं वो वॉर दी परपज़ उनके पोएम्स का कुछ ना कुछ पर्पज़ है कहते हैं जो लेट ने क्लासिकल ने लिखा उस उनका कोई पर्पज़ नहीं है लेकिन जो मेरी पोएम्स हैं इनका एक पर्पज़ है यानी वो कहते हैं उनकी पोइट्री सब पोइट्री में से गुड है यानी स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स ये विलियम विल्वा, वर्ड्सबर्थ कहते हैं कि मेरी पोइट्री क्या है स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स वो कहते हैं कि विलियम वर्ड्सबर्थ कहते हैं कि जो पोइट्री होती है ना ये थॉट्स और फीलिंग को एसोसिएट करना है अंडर अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट वो कहते हैं कि मेरा पर्पस यानी उनके पॉइंट का पर्पस क्या है एलिस्ट्रेट द मैनर इन विच आर फीलिंग्स एंड आइडियाज़ आर एसोसिएट अंडर अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट बट अगर इन रियल देखा जाए विलियम वर्ड्स वर्ड्स थाट्स की बजाय फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ठीक है अगर हम देखते हैं उनके वर्क्स को तो हमें उनमें यही नजर आता है कि वो थाट्स की बजाय फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जैसे कि उन्होंने खुद भी ये बात की Okay, feelings gives importance to action and situation and not the actions and situation to the feeling. सो so, इससे ये क्लियर हुआ विलियम वर्ड वर्स थाट्स से ज़्यादा फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और हमें ये जो वो ये बात करते हैं उनका यह दावा है कि एक रीडर उनके कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेगा अगर वो उनके दो वर्क्स दो बैलेट्स पढ़ लें पुअर सुजैन ओल्ड चाइल्ड लेस फादर इनके दो जो हैं ग्रेट बैलट्स हैं वो कहते हैं अगर कोई ये पढ़ लें तो वो उनके आइडियाज़ को विलियम वर्ड के आइडियाज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है इसके बाद विलियम वॉट्सवर्थ कहते हैं कि मैंने ऑब्जर्व किया कुछ ऐसे क्रिकेट क्रिटिक्स को जिनका जिनने पॉइंट्स को डिसअप्रूव किया अपनी लैंग्वेज ड्यू टू लैंग्वेज यानी उनका वर्क डिसअप्रूव किसकी वजह से हुआ पॉइंट्स क्यों डिसअप्रूव डिसअप्रूव हुए उनकी लैंग्वेज की वजह से यानी उनके स्ट्रिक्ट लॉ के मीटर को ज़रूरी है फॉलो करना यानी वो क्या बिलीव करते थे कि मीटर्स को जरूरी है फॉलो करना वो कहते हैं जॉन मिल्टन और जॉन ग्रे जैसे ग्रेट पॉइट्स जिन्होंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स में बिल्कुल जो है मीटर वगैरह यूज़ ही नहीं किया वो सिंपली उन्होंने सिंपली वो वर्क लिखे तो ये ज़रूरी नहीं है कि मीटर को यूज़ किया जाए ये कौन कहते हैं विलियम वर्ड्स विलियम वर्ड्सर्थ कहते हैं कि पॉइट्री और प्रोज के दरमियान कोई मेजर डिफरेंस नहीं है पोइट्री और प्रोज तकरीबन सेम सेम होते हैं देन वो यूज़ ऑफ़ मीटर की बात करते हैं विलियम वर्ड्स वर्थ यूज़ ऑफ़ मीटर की बात करते हैं कि मीटर को कैसे यूज़ करना चाहिए वो कहते हैं मीटर को इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए कि पॉइम डिफिकल्ट हो जाए कि पॉइम की किसी को समझ ना आए मीटर को इसलिए यूज़ करें ताकि पॉइम सिंपल हो जाए सिंपल करने के लिए मीटर को यूज़ करें ताकि कॉमन मैन जो है वो पोइट्री uh, को अंडरस्टैंड कर सके पॉइम को अंडरस्टैंड कर सके इसलिए मीटर को यूज़ करना चाहिए पॉइम जो है ब्यूटीफुल नजर आए इसलिए मीटर को यूज़ करना चाहिए उसके बाद उन्होंने स्टायर का भी बताया कि स्टायर को भी मजाक में नहीं लिखना चाहिए स्टायर को सीरियस में सीरियसली लिखना चाहिए ठीक है सीरियस में लिखना चाहिए सीरियसनेस में लिखना चाहिए कौन कहते हैं विलियम वर्ड्स कहते हैं और इन्होंने ऐसे ही लिखा है सो so, इसके बाद विलियम वर्ड्स ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया कौन से क्वेश्चन का कि विलियम वर्ड्स ने पोइट्र ही क्यों चूज़ की मतलब कि वो प्रोज भी लिख सकते थे उन्हें प्रोज क्यों नहीं लिखा पोइट्री क्यों यूज़ की पोइट्री क्यों चूज़ की पोइट्री क्यों लिखी तो उन वजह बताई वो कहते हैं कि राइम और मीटर ये दो वजह चीज़ों की वजह से मैंने पोइट्री लिखी यानी इन, इन दो चीज़ों की वजह से वो कहते हैं इसके थ्रू इन दो राइम और मीटर के थ्रू एक इंसान जो है हम लोग अपने पेनफुल इमोशन को इनक्रीज़ भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं यानी उन्होंने पोयट्री क्यों लिखी प्रोज क्यों नहीं लिखा वो कहते हैं राइम और मीटर की वजह से दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपने पेनफुल इमोशंस को अपने इमोशन को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं तो इसलिए उन्होंने पोइट्री को चूज़ किया और पॉइट्री लिखी इसके बाद इन कंक्लूजन जो है वो इस प्रीफेस टू लैर के बैर में एंड में विलियम वर्सवर् क्या कहते हैं वो कहते हैं अपने इमोशन और अपने थॉट्स से Uh, सोचो बजाय इसके कि दूसरों को क्या लगता है कि आप ये ना सोचें कि रीडर कैसे मेरा वर्क लेगा रीडर को क्या लगेगा रीडर लाइक करेगा या नहीं करेगा वो तो वो कहते हैं कि तुम इससे कंसर्न ना करो कि रीडर क्या सोचेगा आप अपने इमोशंस और थॉट्स अपने थॉट्स से सोचो यानी अपने आइडियाज़ दो और देन वर्क लिखो वो कहते हैं ये नहीं कि जो माइंड में आया आप लोगों ने लिख दिया नहीं जो चीज़ आप देखते हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं उसके ऊपर सोचो पहले सोचो देन उस पर लिखो ये नहीं कि जो आया वो आपने लिख दिया नहीं ये गलत है तरीका लिखने का वो कहते हैं को पढ़ना और जज करना ही एक्चुअल टैलेंट है गुड टैलेंट है यानी पॉइट्री को पढ़ें और जज करें ये टैलेंट है वो कहते हैं रीडर को मेरा वर्क जो है ये नहीं कि वो क्विकली जजमेंट कर दे, नहीं क्विकली जल्दी जल्दी से पढ़े और जज कर दे, नहीं रीडर पढ़े उस पर सोचे देन उसको जज करे अगर हम देखते देखें ओवरऑल विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज से Uh, मतलब वो चाहते हैं कि मेरे को क्रिटिसाइज ना किया जाए सो so, ये था प्रीफेस लैरिकल बैलिड कि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस क्यों लिखा और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहना क्या चाहते हैं सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़